आज पूरे दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहा। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ दिया। आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के आगे का रोड मैप क्या है, देखिए। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। ये दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के साथ दो दो हाथ करने को तैयार है। यानी सड़क से सियासत तक आम आदमी पार्टी हर मोर्चे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल जी को 26 तारीख तक की ईडी रिमांड मिल गया और अब अतीशी जी और भारद्वाज जी पीसी करके कह रहे हैं, देखिए जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ये घपला हुआ और बिंदु ने इतने पैसे दिए, हम इसका जवाब मांगते हैं। दिल्ली के जवाब लोग आज ये जवाब मांग रहे हैं। अतीशी जी बताइए, शराब घोटाले के अंदर 100 करोड़ रुपया जो आपने साउथ की लॉबी से लिया, लोग उसका जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांग रहे हैं जो 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई, वो पैसा किसका था? आज जवाब मांग रहे हैं लोग आपसे। लोग जवाब मांग रहे हैं इंडोस्पिरिट जो दिल्ली की कंपनी थी, जब आपने आके पॉलिसी बदली अचानक उसका 2/3 हिस्सा के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम चले जाता है, ये कैसे संभव हुआ? लोग जवाब मांग रहे हैं। शराब घोटाले की लड़ाई अब इलेक्टोरल बॉन्ड तक आ गई है, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर वही आरोप लगा रही है जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने का बड़ा आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि मोदी सरकार के इशारे पर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया ताकि वो चुनाव न लड़ सके। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता कर अपने दफ्तर को सील करने का आरोप लगाया गया। दावा यही है कि नेता पहले से जेल के अंदर हैं, पार्टी दफ्तर भी छिन जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? 20% ऑफ इंडिया वोट्स फॉर अस एंड वी आर नॉट एबल टू पे 2 रुपीज फॉर एनीथिंग। अगर इतने अच्छे अच्छे दलील है उनके पास जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम डिफॉल्टर है तो मात्र 10,000 रुपए में हमें छोड़ देना चाहिए, तो इनको किसने प्रिवेंट किया है ये दलील जाके हाईकोर्ट और ट्राइब्यूनल के सामने रखने से? अरे अजय माकन जी को भेजना चाहिए था ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, कि अजय जी आप जल्दी जाओ ट्राइब्यूनल के सामने प्रस्तुत हो, जल्दी जाकर दिल्ली हाईकोर्ट में ये सब बातें बताओ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हो कि इन प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा होता है, तो नहीं बता पाए हैं। इशू इफेक्ट्स नॉट जस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट इम्पैक्ट्स आवर डेमोक्रेसी इटसेल्फ मोस्ट फंडामेंटली। इट्स ए सिस्टमैटिक एफर्ट इज अंडरवे बाय द प्राइम मिनिस्टर टू क्रिपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाइनेंशियली। फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक आर बीइंग फ्रोजन एंड मनी फ्रॉम आवर अकाउंट is being taken away forcibly. However, even under these most
challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। बात साफ है कि सीधा सीधा दादागिरी चल रही है, कोई कानून नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, आपने हमको हमारे ही दफ्तर से जाने से रोक दिया, तो आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? आप एक पार्टी के नेशनल कार्यालय को ही चारों तरफ से सील कर देंगे, ना कोई आ सकता है ना जो कोई जा सकता है, और आम जनता आए वो तो दूर की बात, आप पार्टी के अपने मंत्रियों को ही नहीं जाने देंगे उनके कार्यालय में। चुनाव के अंदर तो लाखों लोग जो है पार्टी कार्यालय के अंदर आएंगे, वर्कर्स आएंगे जाएंगे, सामग्री आएगी जाएगी, ये सब चलेगा। सच्चाई ये है कि ऐसा कोई ऑफिस सील नहीं हुआ और ऑफिस उनका सुचारू रूप से है, चल रहा है, पर वहां पे चूंकि धारा 144 लगी हुई है इसलिए वहां पे आपको भीड़ इकट्ठी होने की परमिशन नहीं दी गई। हमने आतिश जी का वीडियो भी देखा कि किस प्रकार से वो पुलिस वाले से इलेक्टिव नजर आ रही थी और पुलिस वाले ने कुछ पूछा और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और उस तरह से जिस तरह का वीडियो सामने आ रहा है कि ओवर एक्टिंग कर रही है। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से यही आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी भी हमलावर है। इनका दूसरा राज्य पंजाब, जहां ये सत्ता में इसलिए आए थे कि हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे, मुख्यमंत्री 4 महीने में अपनी ही लोकसभा की सीट उपचुनाव में हार गए थे। पिछले कल जो वहां पर घटा है, 20 से ज्यादा लोगों की जान चले गई शराब, नकली शराब के चलते। पूरे पंजाब की क्या हालत होगी अगर मुख्यमंत्री के अपने जिले में हालत है? शराब आम आदमी पार्टी को कहां तक ले डूबेगी, और शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला है? शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है? इतना ही नहीं, अब बीजेपी ने कांग्रेस के उन पुराने बयानों को शेयर किया है जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मांग कर रहे थे कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर। सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। कोई नैतिक अधिकार केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिन जिन का नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाए। आज शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल जेल में है। कांग्रेस पूरी तरह से केजरीवाल की सपोर्ट में खड़ी है, लेकिन शराब घोटाले की शिकायत कभी कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। यानी वक्त बदला तो रिश्ते बदल गए। केजरीवाल जेल में है, अब दिल्ली सरकार चलेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। इसे लेकर दो तरह की थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, दूसरी थ्योरी है कि केजरीवाल इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इन दोनों थ्योरीज को लेकर इंडिया गठबंधन से लेकर बीजेपी की पॉलिटिकल
जयललिता हो, उमा भारती या येदुरप्पा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, वो रिमांड पर हैं, जेल में हैं, बावजूद इसके इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैंने नहीं सोचा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी इतनी जल्दी मुझे गिरफ्तार करने आएगी। सोचा कि वे गिरफ्तारी से पहले कम से कम 2-3 दिन इंतजार करेंगे। अब अंदर हो या बाहर, सरकार वहीं से चलेगी। मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा। बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी से बहुत पहले आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया था। दावा यही किया कि दिल्ली के लोगों से पूछा गया कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो वो जेल से सरकार चलाएं या फिर इस्तीफा दें। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोगों की राय यही थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पार्टी ने विधायकों की सलाह ली है, केजरीवाल जी अगर गिरफ्तार होते हैं जेल में जाते हैं, सभी विधायक, सभी निगम पार्षद, सभी पंजाब के विधायक, भारत के विधायक, राज्यसभा के मेंबर, सामूहिक निर्णय हुआ कि केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे, उस जेल से ही सरकार चलाएंगे। और ये निर्णय आम लोगों के बीच में भी गया, आम लोगों ने भी इस पर अपनी राय दी, मोहल्लों में, गलियों में आम जनता की राय ली है, तो केजरीवाल जी सरकार जेल से ही चलाएंगे। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल के मुताबिक पार्टी के सभी नेता और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने यही फैसला किया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। संविधान के जानकार मानते हैं कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी से पहले किसी सीएम को इस्तीफा देना पड़े। The arrest of a chief minister, sitting chief minister, is happening perhaps for the first time in the history of this country. So there is no precedent to go by. And but constitutionally speaking, he continues to be the chief minister, and the arrest has not changed his position or his status as chief minister. आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप अब इसी लाइन पर बैटिंग कर रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। कोई कानून नहीं कहता कि अगर कोई पॉलिटिकल वेंडेटा के अधीन किसी मुख्यमंत्री को आप जेल में कर दोगे तो वो जेल उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। नो, वो तो अभी लेके गए हैं, वो दोषी साबित थोड़ी हुई है, कहां चलेगी कानून से चलाएंगे। जो बात आम आदमी पार्टी बोल रही है उसे लेकर इंडिया गठबंधन में बटी हुई राय सामने आई। उद्धव ठाकरे गुट केजरीवाल जेल से सरकार चलाए इसके समर्थन में है, जबकि कांग्रेस के नेता संजय निरुपम इसे देश के लिए खतरनाक ट्रेंड बता रहे हैं। कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है, इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। बात रही केजरीवाल जी, अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। अगर मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा तो पूरे सरकार के कामकाज के तमाम गोपनीय जानकारियां उसके पास रहेंगी, क्या यह संभव है? इसलिए मेरा मानना है, एक तो नैतिकता के आधार पर, दूसरा कानूनन आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूछ रही है कि चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले लालू यादव ने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल कब देंगे? मैं इनसे पूछता हूं जो इस नाम पे ही राजनीति में आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, बेटी की झूठी कसम खाते थे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे तो वो भी ले लिया, मकान नहीं लेंगे तो सबसे बड़ा ले लिया, शीश महल बना लिया, फिर कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो 2 राज्यों की ले ली, कुछ नहीं छोड़ा। आज मेरा उनसे सवाल है कि लालू प्रसाद जी ने तो राबड़ी जी को बैठा कर गए थे, इनका क्या ख्याल है? जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है,
और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा।